दिल्ली मेट्रो को यूं ही राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन नहीं कहा जाता। दिल्ली में बिना किसी परेशानी के किसी भी कोने में जाने के लिए लोग दिल्ली मेट्रो का ही इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो भी अपने यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखती है। ऐसी ही एक सुविधा देने के लिए दिल्ली मेट्रो अपने यात्रियों के लिए एक ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिससे आप न सिर्फ अपना मेट्रो स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कर सकेंगे बल्कि कैब बुकिंग और खाना भी ऑर्डर कर सकेंगे। बता दें कि इस ऐप का नाम DMRC फनबी ऐप है। बता दें कि DMRC का ये फनबी ऐप इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसका इस्तेमाल मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों रूप में किया जा सकेगा। इस ऐप के जरिए लोग मेट्रो में यात्रा करने के साथ घर की ग्रॉसरी भी मंगा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस ऐप से खाना भी ऑर्डर किया जा सकता है और फिल्म देखने के लिए टिकट भी बुक कराया जा सकता है। इसके अलावा ओला उबर कैब्स की बुकिंग भी कराई जा सकती है। बता दें कि इस ऐप के बारे में जानकारी देते हुए DMRC के अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन के यूजर्स को भी एक्सक्लूसिव वैल्यू ऑफर मिलेंगे। वर्चुअल दिल्ली मॉल के माध्यम से एक पार्टनर वेबसाइट पर जाने वाले और प्रोडक्ट्स की खरीद के लिए ए फनबी मोबाइल एप्लीकेशन यूजर्स को लॉयल्टी या रिवॉर्ड प्रोग्राम के अलावा कैशबैक जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे। वर्चुअल के अलावा DMRC ए फनबी एप्लीकेशन में टूरिज्म हब नाम की एक सुविधा भी होगी। तो वहीं इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन संगठन अगली पीढ़ी का डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यानी DPP बना रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिससे ये उम्मीद की जाती है कि यह उपयोगकर्ताओं को बढ़ी हुई सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगा और DMRC के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लीड करेगा। बता दें कि 23 फरवरी को DMRC के डायरेक्टर मंगू सिंह इस ऐप को लॉन्च करेंगे, जिसे लेकर DMRC को पूरी उम्मीद है कि इस ऐप के लॉन्च होने के साथ ही तमाम ई कॉमर्स कंपनियां अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को मेट्रो के ऐप से लिंक करना चाहेंगी। इससे DMRC को काफ़ी मुनाफा मिलने की उम्मीद है। दरअसल ब्रांड वैल्यू और नाम के यूज़ के बदले में DMRC कंपनियों से कमीशन चार्ज कर पाएगी और कमाई में बढ़ोतरी हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।